Hello kids, how are you all? Welcome to Manalan Home Learning. I am your Bhavika teacher and today we are going to learn about raindrop subject. Okay? So, bacho, be ready with your textbook, notebook and stationery. Okay? After listening this video, what you have to do? Yes, right. You have to write your name in chat box and give me thumb so I can put your attendance. Okay, shall I start? Okay, students, before going to start our this chapter, chapter number 212, ye title hai aapka. Okay, but before going to that chapter, I want to know that you have done previous chapter, have you finished their work? Okay, if not, then it's okay. First, you have finished that chapter number 1 exercise and reading part, learning part. Okay, then see this video. Okay, now look at here, bacho. This is your chapter number 212. Hai na? Dekhte hai. इसमें क्या क्या है, पहले पेज को पूरा देख लेते हैं. इट्स अ नॉर्मल नंबरिंग सॉन्ग है, राइम्स है जैसे. और यहाँ पे आप देख लो, लेट्स सी हियर. यस, क्या दिख रहा है? काउ. काउ क्या कर रही है? मू मू, है ना. एंड लायन, रॉ. लायन क्या करता है? रॉ, रॉइंग. एंड घड़ी दिख रही है यहाँ पे. यस, ये घड़ी कैसे बज रही है? टिक 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 टिक, ना. तो चलो पढ़ते हैं, पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं और फिर इसको रिसाइट करेंगे. तो आप लोगों का ध्यान है ना. देखो, लुक एट हियर. वन टू, काउज मू. काउ क्या कर रही है? मू मू कर रही है, है ना, आवाज कर रही है. फिर क्या है? यस, थ्री फोर, लायंस रोर. लायन क्या कर रहा है? रोरिंग कर रहा है, है ना. फाइव सिक्स, द क्लॉक टिक्स. फाइव सिक्स, द क्लॉक टिक्स, यानी क्लॉक क्या कर रही है? घड़ी जैसी आवाज कर रही है, टिक टिक टिक. सेवन एट, सेवन एट, इट्स गेटिंग लेट. सेवन एट, इट्स गेटिंग लेट. इट्स गेटिंग लेट, दैट इज यस, लेट हो रहा है ना. घड़ी हमको टाइम दिखाती है, हमको पता चल रहा है कि हम जल्दी है, अर्ली इन द मॉर्निंग उठ रहे हैं, या कब उठते हैं, कब जाते हैं, कब खाना खाते हैं, ये सब कौन बताता है? हमको घड़ी बताती है ना. अभी यहाँ पे देखो, नाइन टेन, लेट्स से इट अगेन. नाइन टेन, लेट्स से इट अगेन. कैसे पढ़ना है? लेट्स से इट अगेन. लेट्स से इट अगेन यानी फिर से हमको ये दोहराना है, बोलना है. ओके, तो चलो बोल देते हैं राइम. वन टू, वन टू, काउस मू मू मू. वन टू, वन टू, काउस मू मू मू. थ्री फोर, थ्री फोर, लायंस रोर. थ्री फोर, थ्री फोर, लायंस रोर. फाइव six, five, six, the clock ticks, the clock ticks. Seven, eight, seven, eight, it's getting late, it's getting late. Nine, nine, ten, nine, ten, लेट्स से इट अगेन. मजा आया? ओके, नाउ आगे देखते हैं. लेट्स ट्राई दिस,
लिसन एंड रिपीट। आपको क्या करना है, लिसन यानी क्या करना है, सुनना है एंड रिपीट करना है ना। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ, सो हमको सिर्फ वन एंड टू ही दिखाई दे। तो बच्चों ये एक मैच स्टिक दिख रही है ना, दिस इज वन एंड टू, वन टू। ओके ना, मेरे साथ बोल, वन टू हो गया। अभी थ्री को काउंट करते हैं, लेट्स काउंट विथ मी, वन टू थ्री, सो इट इज थ्री। लेट काउंट विथ मी अगेन, वन टू थ्री फोर, सो इट्स अ फोर। ओके नाउ कम डाउन, यस लुक एट हियर, फाइव सिक्स दिख रहे हैं। ओके नाउ वन टू थ्री फोर फाइव, इट्स फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इट्स सिक्स है ना, सिक्स मैच सिक्स है ना। मैच टी को अच्छे से ऐसे लगाना है ना, एंड काउंट करना है। ओके भले आपके टेक्स्ट बुक में है, पर आप ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो, मैच टी को अच्छे से अरेंज करके काउंट कर सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सो इट्स सेवन। वन, लेट्स काउंट अगेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो इट्स एट। ओके बच्चों नाउ कम डाउन, लुक एट हियर, नाइन एंड टेन, काउंट इट अगेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो इट्स अ नाइन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो बच्चों हमने वन टू टेन का रिकॉर्डिंग तो कर दिया, कैसे काउंट करना है वो भी देख लिया, आप लोगों ने सुना ना। ओके अब ये गेम खेलते हैं। देखो आप लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है, पहले वन टू वन टू वन टू ऐसे बोलते बोलते क्लैपिंग करनी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन टू वन टू वन टू वन टू, और फिर बोलने का नहीं है, फिर नंबर्स को रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ है ना वन टू मन में बोलने के है एंड क्लैपिंग करने है। ओके और फिर ऐसे ही रिपीट करना है, वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री, समझ में आया, एक बार बोल के और फिर बाकी की जो क्लैपिंग है वो बिना बोले करनी है, यानी मन में रिकॉल करना है एंड क्लैपिंग करनी है। देखो मजा आ रहा है कि नहीं, जैसे कि आप बिना बोले भी क्लैपिंग करेंगे ना तो भी हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम नंबर्स ही काउंट कर रहे हैं, वन टू थ्री ही काउंट कर रहे हैं, ट्राइड है ना। ये गेम आज जरूर पक्का खेलना। अभी हम मोर प्रैक्टिसिंग के लिए वर्कशीट डिस्कस कर लेते, सो मैं अभी वर्कशीट ओपन करती हूँ। ना वर्कशीट में बच्चों यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन वन टू टेन नंबर्स नेम, नंबर्स नेम थ्री टाइम्स इन योर रेंड्रो नोटबुक। वन टू टेन के नंबर्स नेम जैसे कि स्पेलिंग लिखने हैं, वन ओ एन ई वन, टू टी डब्ल्यू ओ टू, ऐसे स्पेलिंग लिखने हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर्स नेम। ओके तो आपका पहले क्या टास्क है, वन टू टेन के जो नंबर्स हैं वो थ्री टाइम्स आपके नोटबुक में लिखना है। फिर क्या करना है, यस मैंने बोला ना प्ले क्लैपिंग गेम्स विथ योर फ्रेंड्स, तो वो आज की आपकी एक्टिविटी हो गई। नाउ नीचे क्या है, जैसे ही आपने वन टू टेन थ्री टाइम्स लिख दिया, दैट मीन्स आपके वन टू टेन के स्पेलिंग आपके ध्यान में आ गए। नाउ ये गेम खेलनी है, ये भी बहुत मज़ेदार गेम है। हाँ इसको क्या बोलेंगे, अनस्क्रैम्बल द नंबर्स वर्ड फ्रॉम वन टू टेन, आफ्टर वर्ड्स फाइंड द वर्ड्स इन द वर्ड सर्च। तो देखो बच्चों अभी ये क्या है, आगे पीछे दिए गए हैं स्पेलिंग्स है ना, लेटर्स आगे पीछे दिए गए हैं, तो उसमें से आपको पहले तो करेक्ट
नंबर्स नेम ढूंढने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, एक मैं करके दिखाऊंगी, बाकी आपको करने हैं। जैसे ये मैंने उल्टा पुल्टा लिखा है, अनस्क्रैम्बल देने लाइन टू लाइन लगाना, एंड स्क्रैम्बल यानी उल्टा पुल्टा दिया हुआ है ना। ये कौन सा स्पेलिंग है आप गेस कर सकते हो? यस राइट फाइव। तो एफ आई वी ई फाइव है ना। तो आपको पहले तो ये जितने भी नंबर्स नेम दिए हुए हैं उसको अच्छे से लिखना है। दैट मीन्स हमने देखो ये स्क्रैम्बल था तो इसको अनस्क्रैम्बल किया यानी लाइन टू लाइन लगाया, तो ये स्पेलिंग बन गया फाइव है ना। दैट मीन्स फाइव का नंबर नेम बन गया। गॉट इट बच्चों? ऐसे पहले तो आपको स्पेलिंग्स बनाना है। अभी मुझे ये फाइव को किस में ढूंढना है, ये वर्ड सर्च है ना, ये वाले में फाइव वाला स्पेलिंग मुझे ढूंढना है। चलो ढूंढते हैं। ओके यस मुझे मिल गया। लुक एट हियर फाइव, ये एच आ गया बीच में, सॉरी ये मैं मोबाइल में कर रही हूँ ना इसलिए फाइव हो गया। तो करेंगे ना, ये गेम अच्छी लगी ना, मज़ा आ रहा है ना। ओके सेम ऐसे ही हमको एनिमल के साउंड्स है ना यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। जैसे कि डोंकी क्या करता है तो ब्रेज करता है, डक क्या करता है तो पट 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 करता रहता है, बर्ड्स क्या करते हैं तो जंप करते हैं, एलिफेंट ट्रम्पेट करता है ना, एलिफेंट जो आवाज करता है ना उसको ट्रम्पेट कहते हैं, गोट है तो वो ब्लीट करती रहती है ब्लीट्स है ना, और स्नेक लायन रॉर स्नेक हीज हीजेस एंड डॉग बार्क्स, फिर स्क्वेरल का क्या है यस स्क्विक्स, स्क्वेरल क्या करती रहती है स्क्विक्स करती रहती है। तो आपको ये जो नाम दिए हुए ना जैसे चर्प, तो आपको वो फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द एनिमल साउंड वर्ड इन द वर्ड सर्च। जैसे कि चर्प्स मैंने बर्ड्स क्या करते हैं तो चर्प्स करते हैं, तो मैंने ये वर्ड्स इसमें ढूंढा है। ओके बच्चों ये एक्टिविटीज ज़रूर करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें आप अच्छे से स्पेलिंग भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। यहाँ पे हमारा ये सेकंड चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।